बेहद कम वेतन पर गुजारा करने वाले कई लोग यह नहीं जानते कि वे किस तरह की वित्तीय अनिश्चितताओं से घिरे हैं। केवल एक बड़ी वित्तीय जरूरत या स्वास्थ्य बिगड़ने भर से वे आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट जाते हैं। यहाँ मैं एक रविवार नाम के व्यक्ति का उदाहरण देना चाहूंगा। वह घर में अकेला कमाने वाला है। वह उस समय मुश्किल से घिर गया जब उसे पिता को आकस्मिक रूप से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। अस्पताल में इलाज का बिल काफी बड़ा था, लेकिन उसके पास चुकाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। यदि रविवार ने कुछ राशि अपने पास इमरजेंसी की जरूरत के लिए रखी होती तो उसे यह मुश्किल पेश नहीं आती। मैं आपको बताता हूं हमारे देश में ज्यादातर लोग इमरजेंसी फंड कैसे प्लान करते हैं। 3 से 5 भारतीयों के बैंक खातों में इमरजेंसी फंड या बचत के नाम पर 5,000 रुपए से भी कम राशि जमा है। सिर्फ 2.5% लोगों की ही बचत 5 लाख रुपए से ज्यादा है। यह आंकड़े बताते हैं कि इमरजेंसी फंड के लिए भारतीयों में जागरूकता का कितना अभाव है। अगर अब तक आपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसे बचाना नहीं शुरू किया हो तो मैं बताता हूं कि आप कैसे इसके लिए पैसे बचा सकते हैं। इसके लिए बुनियादी नियम यह है कि इस फंड के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए आप कम से कम 6 से 12 माह का समय तय करें। इसके लिए आपको प्रतिबद्धता के साथ बचत करनी होगी। अगर आप जरूरी पैसे न जुटा पाए तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 12 से 24 महीने तक हर माह कुछ राशि इस फंड के लिए अलग निकाल सकते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए पैसे अलग रखने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपने काम के लिए एक बजट तैयार कर लिया है। बजट आपके हाथ में होने का मतलब यह है कि आप यह जानते हैं कि आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है, आपकी कमाई और खर्च क्या है। अपनी वित्तीय स्थिति की जानकारी होने के बाद आपके लिए नियमित दर से पैसा बचाना मुश्किल नहीं होता। अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण बढ़ाने का अन्य लाभ यह है कि यह आपके जीवन के अन्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी करती है। अगर आप जीवन के एक क्षेत्र में बढ़ोतरी हासिल करते हैं तो आपकी बैलेंस शीट दूसरे क्षेत्रों में भी सुधार लाती है। अगर आप बाहर का खाना बंद करके घर में खाना शुरू करते हैं कि हो सकता है कि आप कम खाएं, लेकिन आपके खाने की गुणवत्ता में लगातार बढ़ोतरी होती है। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, साथ ही आप अच्छा अनुभव करते हैं। इन सब बातों का सारांश यह है कि इमरजेंसी फंड भले ही आपको सारी आर्थिक परेशानियों को दूर न कर पाए, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को सही दिशा में ले जाने का यह एक सही मार्ग है। निवेश करना बिल्कुल आसान है, यह तय करें कि किस मद में आपको कितना पैसा लगाना है, फिर उस निर्णय पर अडिग रहें। नियमित अंतराल पर अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। राहुल जैन, हेड पर्सनल वेल्थ एडवाइजरी, एडलवाइज।